Hello students, let's see this question. The question says the IUPAC name of K2NICN4 is चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो IUPAC नेम लिखते हैं हम किसी भी इसमें, क्योंकि आपको चार्ज नहीं देख पा रहे हो तो सॉल्ट है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट में आपका पोटेशियम दिया है, तो ये आपका पोटेशियम आपका कैटायन हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कोऑर्डिनेशन एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का, पोटेशियम का। उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे, एनायन में भी लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो लिगैंड कितने हैं, चार है। चार लिगैंड के लिए आ जाएगा टेट्रा, और लिगैंड के SCN मतलब साइनाइड। तो साइनाइड के लिए जो नाम होता है वो होता है साइनो, साइनो। अब क्योंकि मेटल जो है निकल, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एनायन, तो उसके नाम के पीछे एट आ जाएगा। तो निकल के नाम के पीछे आ जाएगा निकल एट, NICKELAT। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। दो पोटेशियम के लिए प्लस टू चार्ज, एक्स ले लेते हैं निकल के लिए, चार साइनाइड पे माइनस फोर चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ओवरऑल जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टू आ जाएगी। तो निकल पे चार्ज कितना है, प्लस टू का, यानी कि ये। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट टू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। रेस्ट ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।